Welcome to Channel 5. This program is sponsored by Indian Hyderabadi Spices Restaurant, Dana World Contracting Company, Yesmart Trading Services, and Ideal Home Builders and Developers. Assalamu alaikum, Nazreen. Aap sabka Channel 5 mein khair magdam hai. India ke kai sare journalists aur reporters ke liye kal ka din ek bahut bada din tha. Kyunki khushkhabri aayi thi ke NDTV ke senior journalist aur reporter रविश कुमार को एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड रमन मैक्सेसे दिया जा रहा है, जो कि जर्नलिज्म के दुनिया में नोबेल प्राइज के बराबर माना जाता है। रविश कुमार इंडिया के एक ऐसे बड़े रिपोर्टर है जो कि हुकूमत से टकराने से भी नहीं डरते। रविश कुमार एक ऐसे रिपोर्टर के तौर पर जाने जाते हैं जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है। ये कई बार अपनी रिपोर्टिंग के सिलसिले में आम आदमी से मिलते हैं और उसकी परेशानी और मुसीबत को जानते हैं और उसे सरकार तक पहुंचाते हैं, जबकि दूसरी ओर बहुत सारे जर्नलिस्ट रिपोर्टर्स या तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज के गुण गाते हुए अपनी अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में हैं। यहां पर रविश कुमार टीआरपी के चक्कर में पड़े बगैर बस अपनी जर्नलिज्म और रिपोर्टिंग के बलबूते पर काम करते आगे बढ़ रहे हैं। रविश कुमार इंडिया के एक ऐसे चंद रिपोर्टर्स में से हैं जो कि बगैर कोई झिझक हुकूमत से सवाल करते आ रहे हैं। ये मीडिया की भी तनकीद करते हैं। रविश कुमार जर्नलिज्म में एक ऐसा बड़ा नाम बन गया है जो कि आम आदमी का हमदर्द और आम आदमी की आवाज उठाने वाला एक बेहतरीन शख्स के नाम से जाना जा रहा है। और क्यों ना हो, ये सब उनकी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई के साथ देने का नतीजा है। हम सब इंडियंस को ऐसे रिपोर्टर और जर्नलिस्ट पर फखर करना चाहिए। आज के दौर में जब कई सारे रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट पैसों के पीछे या फिर सत्ता के पीछे भाग रहे हैं, वहां पर ये एक ऐसा शख्स है जो आम आदमी के साथ खड़ा हुआ पाया जा रहा है। जब इंडिया में सारे रिपोर्टर्स चीखना चिल्लाना कर रहे थे, तब रविश कुमार ने अपना स्क्रीन ब्लैक कर दिया था। उन्हें कई सारे धमकियां और गालियां दी गई, मगर ये इंसान उसका लिहाज करे बगैर अपनी रिपोर्टिंग करता चला गया। आइए देखते हैं एक नजर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, अलग अलग जुबानों में बोलने वाले मेरे प्यारे दर्शकों और अलग अलग इलाकों में रहने वाले मेरे प्यारे दर्शकों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी खुशी देखकर, इस पुरस्कार के बाद आपकी प्रतिक्रिया देखकर मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है। आप खुश रहें, आप तक ऐसी सूचनाएं पहुंचती रहे जिससे आपका आत्मबल बढ़े, आपका भरोसा बढ़े, तो अच्छा लग रहा है कि मैं आपकी खुशी का हिस्सा बन गया हूं। बड़ी बात है मेरे लिए। ये सब आप लोगों के नाम Thank you.